जब उनसे पूछा कि तुम्हारे वालिद कहां है, उन्होंने कहा वो भी शहीद हो गए, दादा भी शहीद हो गए। लेकिन उस बच्चे का हौसला देखकर आप यकीन करें कि जो ईमानी हलावत होती है वो पैदा हुई और यह एहसास हुआ कि हक और सच के रास्ते में साबित कदमी ही असल चीज है। नताइज तो अल्लाह के हाथ में है और वो जब चाहेगा अता करेगा और यकीनन अता करेगा इंशाअल्लाह। फलस्तीन आजाद होगा, अब उनकी बच्चियों के, उनके बहुओं के, उनके घर वालों के जो पैगाम देख रहे हैं, एक इंच भी फलस्तीनी कौम पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। 7 अक्टूबर को जो तूफानुल अक्सा था, उस तूफानुल अक्सा में अमलन तो हमास ने इसराइल को शिकस्त दे दी। लोगों ने यह कहा कि हमास ने जो काम किया उसके बाद इसराइल हमलावर होगा और बड़ा नुकसान हो जाएगा। यकीनन ये नुकसान हो रहा है, 40,000 के करीब लोग तो ऑफिशियली उनका रिकॉर्ड पे आ गया है कि शहीद हो गए, जिसमें से 15,000 से ज्यादा बच्चे, 10,000 औरतें, और कितने लोग जख्मी हो चुके हैं। लेकिन उस वक्त भी हमास की क्यादत ने कहा हमारे पास ऑप्शन क्या है। एक ऑप्शन यह है कि सन 48 से लेकर अब तक हमें घरों से बेदखल किया जाए, हजारों की तादाद में गिरफ्तार किया गया, इस वक्त भी उनकी जेलों में 9,000 से ज्यादा लोग मौजूद हैं फलस्तीनी, और हम तमाशा देखते रहे। उन्होंने कहा हमारे पास और क्या ऑप्शन है कि जब हमें 14 मई 1948 को एक साथ 15,000 लोगों को कत्ल कर दिया गया था, लाखों की तादाद में घरों से बेघर किया गया था, पूरी दुनिया ने हमारा साथ नहीं दिया। वो सहूनी जो पूरी दुनिया में बसते थे, बरतानिया ने साजिश करके उन्हें पूरी दुनिया से यहां पर लाकर बिठा दिया। लोग तमाशा देखते रहे और लीग ऑफ नेशन और बाद में अक़वामे मुत्तहिदा ने इसराइल को एक रियासत के तौर पर तस्लीम कर लिया। वो तो सलाम है कायद आजम मोहम्मद अली जिनाह और उस वक्त की जो भी मुस्लिम लीडरशिप थी दुनिया में, उनकी अक्सरियत ने इसराइल को तस्लीम नहीं किया था। और आज भी पाकिस्तान की ऑफिशियल पोजीशन यही है कि इसराइल को हम तस्लीम नहीं कर सकते, और जो भी ये काम करने की साजिश करता है दरहकीकत वो सेहूनियों का आलाकार होता है। लेकिन पूरी दुनिया में जो लोग थे उन्होंने इन सेहूनियों से अपनी जान छुड़ाने के लिए, इसलिए कि यूरोप में, रशिया में और खुद अमेरिका में बड़े पैमाने पर लोग तंग थे इनकी साजिशों से, उन्होंने कहा कि इनको एक जगह दे दो हमारी जान छूट जाएगी और आलम इस्लाम के कल्ब में भी एक नासूर आ जाएगा। और वाकई वो नासूर उन्होंने यहां पर लाकर बसा दिया। और जब से लेकर अब तक 1,00,000 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। अगर इन शहादतों को कबूल कर लिया जाए, इन असीरान को कबूल कर लिया जाए, गजा को एक जेल के तौर पर इसराइल ने बना दिया, हर 2-4 साल के बाद वो ऑपरेशन करते थे, बर्बाद करके रख दिया, मुलाजमत के मौके खत्म कर दिए, तो फिर अगर हमास ये काम नहीं करती तो इसका मतलब है कि फिर सब कुछ ही खत्म हो जाना था, हमेशा के लिए यह तय हो जाता कि कोई भी चारे कुव्वत आएगी और कब्जा कर लेगी और कोई उनके सामने आकर खड़ा नहीं होगा और सब सरेंडर करेंगे। हमास ने अजीमत का रास्ता इख्तियार किया। अल कसाम ब्रिगेड ने इंटेलिजेंस की तारीख में सबसे ज्यादा मुनज्जम और खुफिया ऑपरेशन किया। तमाशा देखती रह गई इसराइल की इंटेलिजेंस, उनके आयरन डोम नाकाम हो गए, उनकी फौज नाकाम हो गई, अमेरिका की दी हुई टेक्नोलॉजी नाकाम हो गई, और वो नुकसान पहुंचाया कि इसराइल कभी भी अब ठहर नहीं सकेगा। उसे शिकस्त हो चुकी है, वो हार चुका है और वो सिर्फ सिविलियंस पर बमबारी कर रहा है। अब वो सिर्फ साजिशों के जरिए से टारगेट कर सकता है क़यादत को, लेकिन वो कभी भी फलस्तीनियों पर काबू नहीं पा सकता। इस्माइल हनिया की शहादत ने फलस्तीनियों को एक नए अज़म से हमकिनार किया है और हम पूरी पाकिस्तानी कौम की तरफ से, पूरी उम्मत मुस्लिमा की तरफ से फलस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती कर रहे हैं। मैं देख रहा था कतर में, दोहा में, तो मुझे तुर्की के स्पीकर भी नजर आए, मुझे और बहुत सारे ओमान के लोग भी नजर आए, मुझे जो कतर के
शेख थे वो और उनके वालिद साहब भी, उन्होंने भरपूर तरीके से नमाज जनाजा में शिरकत की और कतर ने बड़ी हिम्मत का सबूत देते हुए, जुर्रत का सबूत देते हुए इसको सरकारी सतह पर इस्माइल हानिया की शहादत की तकरीर जो उनकी रसूमात थी उसको अदा किया और पूरी दुनिया को यह पैगाम दिया कि हर मुल्क गुलाम नहीं होता। इंटरेक्शन और मफादात की खातिर अगर बड़ी ताकतों से बातचीत भी होती है तो गुलामी नहीं की जाती, और उन्होंने इस बात का जिंदा सबूत दिया। हमने ईरान के ऑफिशियल्स को भी देखा, हमने और बहुत सारे मुल्कों को भी देखा, लेकिन वो पाकिस्तान जिसके बानी ने कहा था कि हम कभी इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे, ये मगरब की नाजायज औलाद है, इसको कभी तस्लीम नहीं किया जा सकता, मैं पाकिस्तान के वजीर खारजा साहब को भी तलाश करता रहा और पाकिस्तान के सफीर को भी देखता रहा, मुझे वो वहां पर नहीं मिले, अगर वो वहां पहुंचे हो तो हमें भी इत्तला दे दें। ये अफसोसनाक बात है, वजीर आजम को जाना चाहिए था उसमें। यही तो मौके होते हैं जब आप अपने मुल्क की इज्जत का और गैरत का ख्याल रखते हुए पूरी दुनिया के सामने अपने आप को पेश करते हैं कि हमारे हालात जैसे भी हो हम अपनी हमीयत और गैरत का सौदा नहीं कर सकते। लेकिन इनमें इतनी जुर्रत नहीं हुई, इन्होंने तो पहले एक बयान जारी किया था फिर उस बयान से भी पीछे हट गए थे, वो तो जब अवामी दबाव आया है तो इन्होंने इसराइल की मजम्मत की है। इसलिए हमें अफसोस और दुख है कि हमारी मुस्लिम हुकूमतें हमारी तमन्नाओं का खून करती हैं, हमारी ईमान और गैरत को रिप्रेजेंट नहीं करती हैं, हक रास्ते में बातिल का साथ देते हैं, अमेरिका से खौफ खाते हैं, और उसका सबब यह है कि यह हुकूमतें, ये जो हुक्मरान दबता है ये अमेरिका की आशीर्वाद के सहारे ही हमारे सरों पर मुसल्लत है, और ये समझते हैं कि अगर हमने इसराइल और अमेरिका के खिलाफ कोई कदम उठाया तो उसके नतीजे में इनकी हुकूमतें चली जाएंगी, और ये अपनी हुकूमतों के तहफ्फुज़ के लिए, अपनी बादशाहतों के तहफ्फुज़ के लिए उम्मत का खून करते हैं, उसकी तर्जुमानी नहीं करते हैं। बहरहाल हुक्मरान कुछ भी हो, अवाम फलस्तीन के साथ हैं, इस्माइल हानिया के साथ हैं, उनके खानदान के साथ हैं, उनके मुजाहिदों के साथ हैं, मस्जिद अक्सा के साथ हैं, उसकी आजादी की तहरीक के साथ हैं, और इंशाल्लाह हम अपने लिहाज से जो कुछ कर सकते हैं वो करेंगे, और जहां इसराइली मसनूआत का बायकॉट करना होगा वो बायकॉट करेंगे इंशाल्लाह, जहां पर अपने आवाज बुलंद करनी होगी वो आवाज बुलंद करेंगे, और अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह अब फलस्तीन को बिलाखिर आजाद होना है। सवाल तो अमरीका के लिए है, बड़ी ताकतों के लिए है, अक्वामे मुत्तहिदा के लिए है कि अगर आलमी अदालत भी नेतन्याहू को जंगी मुजरिम करार दे दे और इसराइली फौज के इस अमल को जेनोसाइड करार दे रही है तो दुनिया में वो कौन सी ताकत है कि जो इस दहशतगर्द का रास्ता रोक सकती हो। बस इससे ये बात साबित हो गई कि जिहाद ही रास्ता है, मुजाहमत ही रास्ता है, जिद्दोजहद के नतीजे में ही अब दहशतगर्द इसराइल उसका हाथ रोक सकते हैं। हमें अपनी अपनी सतह पर उस अजीम जिहाद में अपना हिस्सा डालना होगा और हम ये काम करते रहेंगे इंशाल्लाह। असल बात यह है कि अगर इन मुस्लिम ममालिक में अवाम हक और सच की बुनियाद पर, दीन की बुनियाद पर, अदल के निजाम की बुनियाद पर जालिमों से अपनी जान छुड़ाने में, अमरीकी आलाकारों से, अमरीका के गुलामों से जान छुड़ाने में कामयाब हो जाए तो इसराइल को यह जरूरत नहीं होगी कि वो मैली आंख से फलस्तीन की तरफ देख सके। पाकिस्तान एटमी ताकत है, पाकिस्तान के पास प्रोफेशनल आर्मी है, मुस्लिम दुनिया में 77 लाख अफवाज मौजूद हैं, मिसाइल टेक्नोलॉजी है, मादनियात है, पेट्रोलियम है, सब कुछ तो हमारे पास है, लेकिन जो टोला हमारे सरों पर मुसल्लत है उस टोले के नतीजे में इसराइल हमारे लोगों को शहीद कर रहा है। पुरअज़्म होकर इस पूरे तबकात जो हमारे सरों पर मुसल्लत है एक पुरअमन सियासी मुजाहमत करने की जरूरत है। इसलिए मैं इस धरने के शुरका को भी जो यहाँ 9 दिन से मौजूद है खराज अकीदत पेश करता हूँ, और आप एक अजीम फरीजा अंजाम दे रहे हैं, जहाँ आप पाकिस्तान के गरीबों, मजलूमों और महंगाई के मारे लोगों का मुकदमा लड़ रहे हैं, वहीं आपने यहाँ इस्माइल हानिया की शहादत के बाद दुनिया का सबसे बड़ा गायबाना नमाज जनाजा अदा की है। आज
چونکہ اسماعیل ہانیہ شہید نہیں یہ اعلان کیا تھا چند دن پہلے کہ اس ایران کا دن منایا جائے گا، تو آج ہم اسی اعلان کے مطابق اسیران کا دن بھی منا رہے ہیں، اور انشاءاللہ 5 تاریخ کو ہم کشمیریوں کا مقدمہ بھی لڑیں گے۔ ہم امت کا تصور رکھتے ہیں لیکن ہم اپنے مقامی حالات سے بھی غافل نہیں ہو سکتے۔ یہ چومکھی لڑائی ہے جو اہل حق کو لڑنی ہے، اور انشاءاللہ ہر محاذ پر ہم لڑیں گے اور اپنی جد و جہد کو تیز تر کریں گے۔ اس وقت میں شرکا سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ یہاں سے چلے جائیں گے، دھرنے میں شریک ہوں گے، دھرنے میں مزید لوگ آگے چلے جائیں گے، اور انشاءاللہ 9 بجے کے بعد میں ایک مرتبہ پھر آپ سے بات کروں گا اور بتاؤں گا کہ حکومت کیا کر رہی ہے اور اب جماعت اسلامی کا لایا عمل کیا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔